स्वागत फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ए सॉल्व गुरु। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग का मैं देख रहा था कि सर एसओ का क्या कुछ हुआ, 18 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया। तो एक्चुअली कल मैं आप लोग से संपर्क इसलिए नहीं कर पाया कि कल मैं आउट ऑफ पटना था, कल मैं दिल्ली में था और जाहिर सी बात है कि यात्रा में था। इस कारण से थोड़ा नेटवर्क इशू था जिस कारण से मैं आप लोग को लाइव ना आ पाया, ना ही मैं वीडियो बना पाया। आज फाइनली सुबह मैं आया हूँ तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि सर फाइनली बिहार विधानसभा में जो टेंडर नोटिस जारी हुआ था उसमें क्या कुछ अपडेट हुआ है, 18 में किसको टेंडर मिला है और किसको क्या कुछ मिला है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे। एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपडेट होता तो मैं बिल्कुल लेकर आता ही हूँ और कल अपडेट हुआ भी है और अपडेट ये हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ अपडेट हुआ, किसको क्या कुछ मिला है। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही उसका फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है। अगर आप बिहार विधानसभा एसओ या फिर बिहार विधान परिषद एएसओ के या फिर आप कह सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए फ्री यूट्यूब बैच चलवाया जा रहा है हमारे नए यूट्यूब चैनल @एग्जामबाग। जी हाँ दोस्तों, एग्जामबाग का आप लोग जो बेसिकली नाम याद रखिएगा @EXAMBAGH, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन फॉर्म भरे हैं जिनको तैयारी करना है तो वहाँ पर आपको पेड बैच की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर तैयारी करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, सो जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, चूँकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं दिया जाता है, तो आप उस चैनल पर जुड़ करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और लगातार वहाँ वीडियो आते रहती है आपके, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें केवल और केवल प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जो कि एग्जाम में अभी तक पूछे गए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार सरकार में एक चीज़ तो कॉमन है, प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा से पूछता रहा है और वो भी 30% और 40% का वेटेज रहा है। ठीक है, अब कुछ सर क्या कुछ रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि एएसओ में क्या कुछ टेंडर नोटिस जारी हुआ था। जैसा कि मैं बताया था कि सबसे पहले टेंडर नोटिस के बारे में मैंने ही आपको ये बात बताई थी कि बिहार विधानसभा में टेंडर नोटिस जारी हो गई है और उस टेंडर सबसे पहले आपको पल पल का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल रहा था। बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विश्वास के साथ कि सर सबसे पहले अपडेट देते हैं। तो टेंडर नोटिस 18 को हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ ये देखिए, ये बेसिकली एक लिस्ट जारी हुआ कल के डेट में, ये 18 तारीख को देख रहे होंगे, अवर सचिव जो के द्वारा जारी किया गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा एवं अन्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन हेतु प्रकाशित जो टेंडर था, प्रकाशित टेंडर जिसको NIT बोलते हैं, 2/2024 दिनांक 5/6 के अंतर्गत, यानी उस जो दिनांक जो जारी किया गया था वो 5 जून था, अंतर्गत वित्तीय निविदा खोले जाने के दिनांक 18 यानी 18 जुलाई को ये खोला जाना था और 5 जून को ये अपडेट किया गया था। 11 बजे पूर्वाहन दोपहर में तिथि निर्धारित की गई थी किंतु अपरिहार्य कारणों से अब वित्तीय निविदा दिनांक 2/8 को 11 बजे 11:30 बजे खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदाओं के संबंध में सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि दो चीज़ें आई हैं, एक जो आपका एग्जाम होने वाला था मतलब जो आपका टेंडर खुलने वाला था वो टेंडर 18 को अब नहीं खुलेगा, अब वो 2 अगस्त को खुलेगा। जी दोस्तों, 2 अगस्त यानी पूरा का पूरा आप लोग का जो 18 से है जुलाई चल रहा है ये 12 दिन बाद, 12 या 14 दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन बाद आप लोग खुलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेंडर जिसको दिया गया था उसको अभी टेंडर अलॉट भी नहीं किया गया है कुछ टेक्निकल इशू कारण। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये कुछ सेटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, बड़े पैमाने पर टेक्निकल चीज़ें इशू हो जाती हैं क्योंकि उसका खुद का सर्वर है, बिहार विधानसभा का खुद का सर्वर है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल ग्लिच होता होगा जिस कारण से लेकर के सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। ये नहीं कि टेक्निकल ग्लिच है फिर भी किसी को हम टेंडर दे दिए कि बाद में अगर अपर सचिव यहाँ पर सीधे सीधे अगर कुछ भी गलत होगा तो अवर सचिव यहाँ फंसने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों से अपना बिल्कुल किनारा कर लिया और कहा कि भैया जब तक टेक्निकल ग्लिच क्लियर नहीं होती है तब तक टेंडर किसी को इशू नहीं होगा। क्योंकि अगर करने वाला इंसान गलती करने वाला होता तो ही इसी बीच में टेंडर ग्लिच होने के बावजूद भी किसी को टेंडर देकर के एग्जाम डेट जारी कर देता, यहाँ पर दिक्कत है। अगर सही तरीके से अगर आपका काम होता है तो वहाँ समय लगता ही है। कैसे होता है कि सही तरीके से अगर सिस्टम से पढ़िएगा तो मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही, लेकिन आप सेटिंग करा घुस जाएगा तुरंत हो जाएगा, वैसे ही टेंडर अगर कहीं भी लेट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सेटिंग हो रहा है, लेट हो रहा है इसमें सही काम हो रहा है, क्योंकि सेटिंग जो होता है वो तुरंत होता है और जो सही चीज़ होती है वो लेट से होता है। इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, जो बच्चे बिहार विधानसभा का फॉर्म भरे हैं चाहे वो किसी फॉर्म को एसओ को भरे हैं या फिर ऑफिस अटेंडेंट का, आप लोग का बस और बस जो भी समय लग रहा है ये इस टेंडर को ओपन करने में और उसे प्रूफ करने में यानी जहाँ इसको अलॉट करने में, इसलिए पैनिक नहीं होना है। जो भी अपडेट होंगे मैं आपको आगे देते रहूँगा, बस तब तक क्रिस बजे कि आपको 12 दिन और वेट करना, वेट क्या करना है जो भी आपने पढ़ा है क्या उसे रिवाइज करते। ठीक है, स्वैच इंडस्ट्री फैक्ट्री बन जाने पर पापा टेक केयर, जय हिंद जय भारत।